हेलो स्टूडेंट्स, क्लास से ट्वेल्थ का जो चैप्टर रनिंग में था हमारा 15 चैप्टर प्रोबेबिलिटी, उसके एक्सरसाइज 15.3 को कंप्लीट कर लिया था हमने। और उस एक्सरसाइज में हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं और उस पर बेस्ड नॉर्मल क्वेश्चंस किए थे। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस एक्सरसाइज 15.4 में देखने को मिलेंगे, लेकिन ईजी हो जाएंगे आप उसको अच्छे से समझ के करोगे तो, है ना। हाँ, 15.4 एक्सरसाइज ओके एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक से मैं करवा रहा हूँ, उसका ये लेक्चर फर्स्ट है। इस एक्सरसाइज को दो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, 15.4 को लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में। लेक्चर फर्स्ट में मतलब आज की इस वीडियो में हम शुरू के 10 क्वेश्चंस करेंगे, बाकी 10 या 11 क्वेश्चन बच गए उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। देखते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन को। ए मैन एंड हिज वाइफ अपियर फॉर एन इंटरव्यू फॉर टू पोस्ट्स। कोई एक बंदा है और उसकी लुगाई, दोनों इंटरव्यू देने गए हैं दो पोस्ट के लिए, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि उसके हस्बैंड का सिलेक्शन हो जाएगा जिस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहा था, इंटरव्यू दे रहा था, उस बात की प्रोबेबिलिटी आपको 1/7 दे रखी है। और इस बात की प्रोबेबिलिटी कि उसकी वाइफ का सिलेक्शन होता है, ठीक है, उस इंटरव्यू में वो पास हो जाती है, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/6। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, कि वो हस्बैंड भी लग जाए और वो वाइफ भी लग जाए, है ना। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है फर्स्ट में हमको ये फाइंड करना है। सेकंड में ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है कि उनमें से कोई एक लगे, या तो हस्बैंड लगे तो वाइफ नहीं लगेगी, या फिर वाइफ लगती है तो हस्बैंड का सिलेक्शन नहीं होता है। और थर्ड में नन ऑफ देम सिलेक्टेड, बेचारे दोनों ही मुंह लटका के घर आ जाते हैं ना, मतलब किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। कोई बात नहीं, देखते हैं, हमको तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको कौन सा इंटरव्यू में पास करने है फेल करने है, ना, हम तो प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ओके, देखो तो फर्स्ट पार्ट से पहले यहां पे मैं इवेंट लेट कर लेता हूं। इवेंट ए किसको डिनोट कर रहे हैं, आवाज ज्यादा हो रही है, कोई बात नहीं। इवेंट ए डिनोट करेगा कि उसके हस्बैंड का सिलेक्शन हुआ है ना, हस्बैंड being selected, okay, और event B कि उसकी wife का selection हुआ है, wife उसकी, है ना, उसकी being selected, okay, event मैंने let कर लिए हैं। अच्छा, अब साथ के साथ इनकी probability भी दे रखी है तो वो भी मैं लिख लेता हूं। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब उसके हस्बैंड का सिलेक्शन हुआ, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/7 है। और इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसकी वाइफ का सिलेक्शन हुआ, यानी इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी, वो 1/6 है, ठीक है। अच्छा, अब ए डैश और बी डैश, मतलब ए बार और बी बार दे रखा आपकी बुक में, वो और निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार का मतलब क्या होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी उस बंदे का सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, उसके हस्बैंड का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो 1 में से माइनस कर लो, 1 - 1/7 यानी 6/7। ऐसे ही अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालू बी बार की, यानी उस हस्बैंड की वाइफ का सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना, तो क्या आएगा, 1 में से माइनस कर लो इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी 5/6। ओके, ठीक है, ये चीजें मेरे को जरूरत पड़ेंगी इसलिए मैंने निकाल लिया ना। अब देखो फर्स्ट पार्ट। अच्छा, बोर्ड कितना आ रहा है, ये क्वेश्चन ही काफी स्पेस ले गया। हाँ ठीक है, नीचे तक है। देखो तो फर्स्ट पार्ट में हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, इस बात की प्रोबेबिलिटी, किस बात की प्रोबेबिलिटी कि उस बंदे, उस आदमी का भी सिलेक्शन हो जाए और उस लुगाई का भी सिलेक्शन हो जाए, यानी ए का भी और बी का भी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। इसको हम लिख सकते पी ए बी, ओके। अच्छा, और इसको क्या लिखे, पी ए इंटू पी बी, क्यों, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, तो यहां पे पी ए इंटू पी बी निकालो। इंडिपेंडेंट इवेंट क्यों है, क्योंकि अगर एक इवेंट, अगर घटना ए घटित हो रही है, मतलब उस आदमी का सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इसका प्रभाव उसकी लुगाई का सिलेक्शन होगा, इस पर प्रभाव नहीं डाल रहे, इसका प्रभाव उस बात पर नहीं है कि उसकी लुगाई का सिलेक्शन हुआ है या नहीं है,
ऐसे ही इवेंट बी का ए पर कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, ए और बी की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट निकालो, यानी 1/7 और 1/6। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी और इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, 1/7, 1/6। ये 6 है क्या, 1/6? बुक में देखो एक बार। हाँ, करेक्शन करना, यहां पे 1/6 नहीं, 1/5 दे रखा है बुक में। ठीक है, इसको 5 करो। ओके, तो यहां पे क्या आएगा, 1/5, और यहां पे 1/5 करोगे ना, बी डैश कहां निकाला यहां पे, तो 1/5 आएगा। कितना आएगा, 4/5, 1 में से माइनस करोगे तो 4/5। ठीक है, और हाँ यहां पे देखो, 1/7 × 1/5 इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गया, 1/35। ठीक है, अच्छा अब दूसरा पार्ट देखो, दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, कोई भी एक सिलेक्ट हो, दोनों नहीं कोई भी एक। ठीक है, या तो वो जेंट्स या फिर उसकी वो लुगाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ देम सिलेक्टेड, ठीक है, उनमें से कोई भी एक बंदा सिलेक्ट हो, जैसे कि मैं इसको लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का सिलेक्शन हो गया, बी का नहीं हुआ, या फिर यानी और बी का सिलेक्शन हो गया, ए का सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब ये है ना, कम से कम, मतलब कम से कम एक नहीं, उनमें से कोई भी एक होना चाहिए, है ना, या तो ये नहीं, या फिर ये नहीं। ओके, अच्छा अब देखो, ये इवेंट और ये इवेंट दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो और को हटा के प्लस लगा दे, सेपरेट प्रोबेबिलिटी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, नाम तो सुना है आपने लेकिन शायद ध्यान नहीं आपके ना, 11th क्लास में पढ़ के आए थे आप। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या था, कि दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी 5 वाला केस, तो यहां पे अगर ए का सिलेक्शन हो रहा है बी का नहीं हो रहा, तो फिर ये घटना कैसे घटित होगी, इसको देखे तो, है ना, इसके हिसाब से या तो ये घटना घटित होगी या फिर ये, दोनों एक साथ घटित नहीं हो सकती। अगर दोनों एक साथ घटित होंगी तो फिर ये इसका कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। ठीक है, देखो तो अब यहां पे वैल्यू पुट करनी है, तो ए और बी ये दोनों कैसी थी, ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट थी। ठीक है, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट थी तो क्या लिखे, पी ए इंटू पी बी नोट प्लस प्लस पी बी इंटू पी ए नोट। ठीक है, अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, हो जाएगी। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी देखो, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी है 1/7 इंटू इवेंट बी नोट, बी नोट की प्रोबेबिलिटी है 4/5 प्लस यहां पे बी की प्रोबेबिलिटी है 1/5 और ए नोट की प्रोबेबिलिटी है, ए नोट की प्रोबेबिलिटी 6/7। ठीक है, सोल्व करो, 4/35, 6/35, 10/35, 10/35 मतलब 5 2s are 5 7s are, है ना, 2/7। ओके, अब इस पार्ट को मैं रफ करता हूं और उसके बाद थर्ड पार्ट और बच के उसको और देखेंगे। ठीक है, देखो तो थर्ड पार्ट को, थर्ड में क्या है, थर्ड में इसने बोल रखा है नन ऑफ देम सिलेक्टेड, उनमें से कोई भी सिलेक्ट ना हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ देम सिलेक्टेड, इसका मतलब क्या है, ए का भी सिलेक्शन नहीं हो एंड बी का भी सिलेक्शन नहीं हो। ठीक है, और ए और बी कैसी इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इनको क्या लिखे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट। जो चीज ए और बी के लिए वही ए बार और बी बार के लिए होती है ना, 15.3 में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहां पे इवेंट ए नोट की प्रोबेबिलिटी है मेरे पास, इवेंट ए नोट 6/7 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी नोट 4/5। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 24/35 एग्जैक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ए पासिंग द एग्जाम इज 3/7, ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी 3/7 है एंड दैट ऑफ स्टूडेंट बी पासिंग इज 5/7, और
बी के पास होने की प्रोबेबिलिटी भी आपको दिखी है, तो इनको मैं लेट कर लेता हूं इवेंट्स को। इवेंट ए क्या है, ए पासिस द एग्जाम, ओके, और इवेंट बी, बी स्टूडेंट पासिस द एग्जाम, ठीक है। अच्छा, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, इवेंट ए किसको डिनोट कर रही थी कि वो पहला बंदा एग्जाम पास करे, उस बात की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 3/7, और इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी वो भी आपको गिवन है 5/7, 7 है ये, 7, ओके। Assuming that two events, A passes and B passes, ये दोनों events are independent, okay? Find the probability that only A passing the exam first. देखो दोनों event कैसी हैं, लिख लो उसको, इसमें तो साफ साफ बोल दिया ना, events A and B are independent events. ओके, इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अच्छा, अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो अब देखो हमको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए पासेस द एग्जाम, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली इवेंट ए ऑकरेंस, है ना, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता। ओके, देखो यानी ए पास हो और केवल ए पास हो, है ना, बी फेल हो जाए, मतलब बी पास ना हो, ठीक है। देखो तो इसने बोल रखा है ओनली ए पासेस, मतलब ए ही पास होना चाहिए, इसका मतलब बी फेल होना चाहिए ना, और ये दोनों कैसे इवेंट थी ए और बी, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या लिखे, पी ए इंटू दूसरी इवेंट पी बी नोट। ओके, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी है मेरे पास 3/7, चलो निकाल लो बी नोट निकाल लो, क्या आएगी, 1 में से माइनस करो 2/7, ए नोट भी आगे जरूरत पड़ सकती है निकाल लो, 1 में से माइनस करो 4/7, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखूं, इंटू पी बी नोट 2/7, मतलब 6/49, ठीक है। सेकंड हमारे पास ओनली वन ऑफ देम पासिंग द एग्जाम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ देम पासिस द एग्जाम, ठीक है, यानी अगर ए पास होता है तो बी फेल होना चाहिए, ए की पास हुआ, या फिर बी पास होता है तो ए फेल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये दोनों कैसे इवेंट है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्यों, क्योंकि दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो रही, अगर दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो जाएंगी तो इसका कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी नोट प्लस, क्यों, ये दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव थी, है ना, तो पी ए और बी, यानी पी ए यूनियन बी वाला केस, ठीक है, 11th क्लास ध्यान हो, तो वहां पे हमने क्या किया था, पी ए प्लस पी बी, कब, जब ए और बी दोनों कैसे थी, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, मतलब उनका इंटरसेक्शन फाई आया था। तो यहां पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए नोट, ओके, अब वैल्यू पुट करो, उससे पहले इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लो, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ए और बी यहां पे कैसी है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो पी ए इंटू पी बी नोट प्लस पी बी इंटू पी ए नोट, ओके, वैल्यू पुट कर दो इसमें, पी ए क्या है, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, इवेंट ए दिख तो रहे ना, ओके, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी है मेरे पास 3/7 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी नोट 2/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/7 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट, ए नोट 4/7, नीचे 49, ऊपर 6 और 5/20 26, 26 और नीचे 49, इसका आंसर, ओके। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 3, राहुल स्पीक्स ट्रुथ 5 times out of 6, राहुल सच बोलता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो 5/6, टोटल 6 बातों में से 5 बात वो सही बताता है ना, 5 बार वो सही बोलता है,
अच्छा एंड नेहा स्पीक्स ट्रुथ 9 times out of 10 और जो नेहा बच्ची है वो 10 में से 9 बार सही बोलती है, सच बोलती है. व्हाट इज द, तो सबसे पहले इनको इवेंट से डिनोट कर लेना. इवेंट ए क्या है, राहुल सच बोल रहा है ना, राहुल स्पीक्स ट्रुथ. और इवेंट बी दूसरा बंदा नेहा है, नेहा स्पीक्स ट्रुथ. ठीक है ओके. तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, राहुल कितनी बार सही बोलता है, 5, कितने में से, 6 बातों में से. ठीक है. इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी 9 out of 10, 9 upon 10. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे contradict each other in staying the same fact. इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों सेम फैक्ट का कॉन्ट्राडिक्शन बताएं, मतलब अगर एक बंदा सही बोल रहा है तो दूसरा झूठ बोले, या फिर पहला झूठ बोल रहा है तो दूसरा बंदा सच बोले, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. ठीक है, तो इसको क्या लिखूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसकी प्रोबेबिलिटी, कॉन्ट्राडिक्शन या फिर कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर ऑफ सेम फैक्ट. मतलब दोनों या तो झूठ बोले या फिर दोनों सच बोले, इसका कॉन्ट्राडिक्शन, इसका कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगा कि एक सच बोल रहा है तो दूसरा झूठ बोल रहा है, या फिर दूसरा झूठ बोल रहा है तो पहला सच बोल रहा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो ये हमको फाइंड करनी है. इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है किसकी, कि ए इवेंट एंड बी नोट, यानी राहुल सच बोल रहा है, नेहा झूठ बोल रही है. ठीक है, नेहा झूठी है, कैसी है, झूठी है. ओके, या तो ये, या फिर क्या हो कि राहुल झूठा हो और नेहा सही बोल रही हो, सॉरी राहुल झूठा हो और नेहा सही बोल रही हो, पी बी. ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है. ओके, तो यहां पे देखो ये वाली और ये वाली इवेंट कैसी है, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सकती. ठीक है, तो और को किस में चेंज कर दे, प्लस में, और सेपरेट प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, यानी ए बी नोट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट बी. ओके, अच्छा हमने नोट की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली ना, निकाल लो, पी ए नोट क्या आएगा, 1 में से माइनस कर लो, तो 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 1/6, और बी नोट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/10 आ जाएगी. ठीक है, ए और बी ये दोनों कैसे इवेंट है, ये दोनों तो इंडिपेंडेंट इवेंट है. इंडिपेंडेंट इवेंट क्यों है, क्योंकि किसी एक के बोलने से दूसरे पर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा. ठीक है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट इवेंट है. इसका मतलब इसको क्या लिखे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 5/6 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी नोट इज बी नोट 1/10 प्लस ए नोट 1/6 बी 9/10. थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 जा 2 जा, फर्स्ट वाले में 1/12 और सेकंड वाले में 3 2 जा 3 3 जा, यानी 3/20. एलसीएम आ गया 60, है ना, एलसीएम कितना 60, तो ये आएगा 12 5 जा और 23 जा, 14/60 बोले तो, हाँ कैंसिल करो 7 और ये 30, यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 7/30. ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को. पी स्पीक्स ट्रुथ इन 70% ऑफ द केसेस, ओके, एंड क्यू इन 80% ऑफ द केसेस. पी के सही बोलने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 70%, मतलब 70/100. ओके, तो मैं इनको लेट कर लेता हूं. इवेंट ए, ए क्या है कि पी सही बोल रहे हैं, पी स्पीक्स ट्रुथ, और इवेंट बी किसको डिनोट कर रहा है, किसको डिफाइन कर रहा है, क्यू स्पीक्स ट्रुथ. ओके, ठीक है, तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास, 70/100 यानी 7/10, और बी की प्रोबेबिलिटी भी आपके पास 80/100 मतलब
8/10। ओके अच्छा, इनके नोट की भी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, काम आएगी। ए नोट क्या आएगा, 1 में से माइनस करो 3/10, और बी नोट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 में से माइनस करो 2/10। ओके अब आगे बढ़ो, देखो क्या कह रहा है। इन व्हाट परसेंट ऑफ केसेस, कितने परसेंट केसेस में दे लाइकली टू एग्री इन स्टेइंग द सेम फैक्ट, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कितने परसेंट चांस ऐसे हैं उन केसेस में से कि जिनमें पी और क्यू दोनों सेम फैक्ट को फॉलो करें, मतलब या तो दोनों सच बोले या दोनों झूठ बोले, सेम फैक्ट होने चाहिए। पी सही बोल रहा है तो क्यू भी सही बोले, पी झूठ बोल रहा है तो क्यू भी झूठ बोले, ये सेम सेम केस है ना, इनकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एंड क्यू स्पीक्स ट्रूथ एक केस ये, या फिर दोनों झूठ बोले, पी एंड क्यू स्पीक्स लाइ, ठीक है, दोनों ही या तो सही बोले दोनों झूठ बोले। ठीक है अच्छा, अब देखो अगर मैं इसको एक इवेंट और इसको एक इवेंट लेट करूं, तो ये इवेंट और ये इवेंट दोनों एक साथ तो घटित नहीं हो सकती। ये तो कह रहा है कि P और Q दोनों सही बोल रहे हैं और ये इसका अपोजिट है, तो दोनों एक साथ कैसे घटित हो जाएंगी, मतलब ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अगर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो और को प्लस में चेंज कर देते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एंड क्यू स्पीक ट्रूथ, यानी पी भी सही बोले एंड क्यू भी सही बोले, और प्लस इस केस में क्या लिखेंगे, P भी झूठ है और Q भी झूठ है। ठीक है, यानी P सही नहीं बोल रहा, ये बार किसको डिनोट कर रही है कि वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, यहां पे देखो प्रोबेबिलिटी, अब देखो P और Q कैसी हैं, ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब एक केस सही या झूठ बोलने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ Q प्लस यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ P नोट into probability of Q नोट, वैल्यू पुट कर दो, probability of event P और Q। ओके, तो यहां पे तो मैंने इवेंट लेट कर रखी ना, P और Q सही बोल रहे हैं, मतलब P सही बोले तो इवेंट A और Q सही बोले तो इवेंट B, ये हमने लिया था, तो यहां भी A और B करो। ठीक है, P झूठ बोले और Q झूठ बोले, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, इवेंट मैंने लेट कर ली थी ना A और B में, तो यहां पे Q के बजाय B और P के बजाय ए आपको करना होगा। ठीक है, ओके, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, 7/10 इंटू इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी है मेरे पास 8/10 प्लस ए नोट की प्रोबेबिलिटी है मेरे पास 3/10 इंटू बी नोट की प्रोबेबिलिटी 2/10। अब इनको सोल्व करना है, 8/7 = 56/100 प्लस 3/2 = 6/100 सोल्व करो, 62/100 प्रोबेबिलिटी पूछे तो ये, लेकिन इसने कितने परसेंट चांसेस पूछ रखे ना, तो इनटू 100 करोगे तो परसेंट में आंसर आएगा, मतलब 62% इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट बाई 3 मार्कमैन आर 1/2, 1/3 and 1/4 रिस्पेक्टिवली। तीन बंदे हैं और तीनों शूटर हैं, है ना, तो इनके टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी देखिए, पहले वाले की ये है, दूसरे वाले की ये और तीसरे वाले की ये। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन एंड ओनली वन ऑफ देम, उनमें से केवल और केवल एक विल हिट, टारगेट को हिट करे, द टारगेट वेन दे फायर साइमल्टेनियसली, जब वो एक साथ शूट करना स्टार्ट करते हैं ना, उस केस में केवल और केवल एक ही बंदा टारगेट को हिट करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मैं इवेंट ये जो तीन बंदे ना ए बी सी लेट कर लेता हूं ना, तो पहला बंदा टारगेट हिट करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3, और तीसरे वाले की प्रोबेबिलिटी है 1/4। ओके, तो नॉट हिट, ए उस टारगेट को हिट नहीं करे, बी नहीं करे, सी नहीं करे, ये भी निकाल लो, काम आएगा आगे। ए नोट 1 - 1/2, 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नोट, ये सी थी 1/4।
ओके सी नोट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या 3/4, ठीक है। अच्छा केवल और केवल एक बंदा हिट करे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ देम हिट द टारगेट, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि उनमें से केवल और केवल एक बंदा टारगेट को हिट करे, मतलब अगर ए हिट करता है तो बी हिट नहीं करना चाहिए और सी ये भी टारगेट को हिट नहीं करना चाहिए, ठीक है। या फिर ये भी तो हो सकता है कि ए हिट ना करे बी हिट कर जाए, बी हिट कर जाए और सी हिट ना करे, ओके। या फिर ये भी तो हो सकता है, और ये भी तो हो सकता है कि ए भी हिट ना करे बी भी हिट ना करे और सी हिट कर जाए टारगेट को, ठीक है। तो ये हमको तीन केस मिलेंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और ये तीनों इवेंट्स कैसी हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ठीक है। तीनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो रही, वरना फिर इसका कंट्राडिक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखें इसको, इसको और को प्लस में चेंज कर दें, ए बी नोट सी नोट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट बी सी नोट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट बी नोट सी, और ए बी सी ये तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्यों, ए हिट करे या ना करे उससे बी या सी की प्रोबेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। वो अपने एबिलिटी के हिसाब से टारगेट को हिट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ए बी सी कैसी है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर ए बी सी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हम क्या लिखते हैं, इन तीनों का प्रोडक्ट अलग मतलब सेपरेट प्रोबेबिलिटी के साथ, यानी पी ए इंटू पी बी नोट इंटू पी सी नोट प्लस ऐसे यहां पे पी ए नोट इंटू पी बी इंटू पी सी नोट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नोट, ठीक है। सॉरी सी नोट नहीं सी, अच्छा तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, नीचे स्पेस देखना है, ओके बिल्कुल ठीक है। ए की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 1/2 इंटू बी नोट सी नोट, है ना, बी नोट सी नोट की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास ये रही 2/3 3/4 प्लस यहां पे देखो ए नोट की प्रोबेबिलिटी 1/2 बी की प्रोबेबिलिटी 1/3 सी की प्रोबेबिलिटी सी नोट की 3/4 प्लस ए नोट की प्रोबेबिलिटी 1/2 बी नोट की प्रोबेबिलिटी थी हमारे पास 2/3 और सी नोट की प्रोबेबिलिटी थी 1/4, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, कैंसिल और ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, 1/4 यहां पे लिख देता हूं मैं 1/4 प्लस, अब ठीक है हाँ, यहां पे 1/4 और यहां पे 1/8 और यहां पे 1/8 हो गया, यहां पे 1/12 प्लस 1/12 एलसीएम कितना आ रहा है 24, 4 6 6 8 3 3 12 2 2 6 3 9 2 11/24 रिक्वायर्ड आंसर 11/24, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ टू स्टूडेंट्स ए एंड बी कमिंग टू द स्कूल इन टाइम आर 3/7 एंड 5/7 रेस्पेक्टिवली, दो बंदे ए और बी, है ना, इस बात की प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि ए टाइम पर स्कूल आए 3/7 और इस बात की प्रोबेबिलिटी कि बी टाइम पर आए वो है 5/7, यानी ए की प्रोबेबिलिटी टाइम पर आने की है 3/7, बी की प्रोबेबिलिटी टाइम पर आने की है 5/7, ठीक है। Assuming that the events A coming in time, ये हमने इवेंट लेट किए है ना A और B, ओके आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ओके अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है ऐसा इसने बोल दिया, ओके फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ देम कमिंग टू द स्कूल, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि केवल एक बंदा टाइम पर स्कूल आए, या तो ए टाइम पर आए तो बी नहीं आए या फिर बी टाइम पर आए तो ए नहीं आए, ठीक है। किस बात की प्रोबेबिलिटी, ओनली वन ऑफ देम कमिंग इन टाइम
टाइम पर उनमें से केवल एक ही बंदा टाइम पर आए, है ना, स्कूल। ओके, इसका मतलब अगर ए टाइम पर आता है तो बी लेट आए, ठीक है, मतलब टाइम पर नहीं आए, या फिर बी टाइम पर आता है तो ए का टाइम पर नहीं आना चाहिए, है ना। और ये दोनों कैसी इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो क्या लिखिए, पी ए बी बार प्लस पी बी ए बार, और ए और बी कैसी इवेंट थी, इंडिपेंडेंट इवेंट थी, तो क्या लिखे, पी ए इंटू पी बी बार प्लस पी बी इंटू पी ए बार। ओके, वैल्यू पुट करो, उससे पहले ए बार और बी बार नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितनी आएगी, वन में से माइनस कर लो तो ये आएगी 4/7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार वो कितनी आएगी, वन में से इसको माइनस करोगे तो 2/7, ठीक है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी हमको, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी है 3/7, इवेंट बी नोट की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 2/7 प्लस इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 5/7, और ए नोट की प्रोबेबिलिटी थी 4/7, ठीक है। 3 × 2 = 6/49 प्लस 5 × 4 = 20/49 कितना आया, 26/49 आंसर। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखो क्या बोल रहा है, इसने प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 and 1/3 रेस्पेक्टिवली। किसी प्रॉब्लम को ए और बी दो बंदे सोल्व कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली सोल्व कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले ए कुछ सोल्व कर रहा है, कुछ उसने सोल्व कर दी, उसके हिंट से बी सोल्व कर रहा है, ऐसा नहीं है, इंडिपेंडेंटली वो अपने माइंड से कर रहा है, वो अपने माइंड से कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं लेट कर लेता हूं, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, मतलब ए उस प्रॉब्लम को सोल्व करता है 1/2, और बी उस प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, तो इनके नोट की भी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, 1/2, और बी नोट क्या आएगा, 1 में से माइनस करो, 2/3, ठीक है। इफ बोथ ट्राई टू सोल्व द प्रोबेबिलिटी, सॉरी, सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, हाँ ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, द प्रॉब्लम इज सोल्व, कि वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, ये नहीं बोला किससे हो जाए, उन दोनों में से कम एक बंदा तो कर दे, या तो ए कर दे या बी कर दे, ए कर दे बी ना करे तो भी प्रॉब्लम सोल्व हो रही ना, बी कर दे ए ना करे तो भी प्रॉब्लम सोल्व हो रही ना, दोनों कर दे तो भी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है। इसने इसी बात की प्रोबेबिलिटी पूछी कि प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए, कोई करे इससे कोई मतलब नहीं, दोनों करें या उनमें से कोई एक करे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सोल्व, तो कब कब हो सकती है प्रॉब्लम सोल्व, कि ए कर दे और बी ना करे, ठीक है, सॉरी, ए कर दे बी ना करे, या फिर बी कर दे ए ना करे, या फिर दोनों ही कर दे, ए भी कर दे और बी भी कर दे, ठीक है, यही तीन केस है, तभी प्रॉब्लम सोल्व होगी। अच्छा, अब क्या लिखे इनको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी नोट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए नोट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ए और बी कैसी है, इंडिपेंडेंट है, तो क्या लिखे, पी ए इंटू पी बी नोट प्लस पी बी इंटू पी ए नोट प्लस पी ए इंटू पी बी। ओके, वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी नोट 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए नोट 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 कैंसिल 1/3, ऐसा करो कैंसिल मत करो, नीचे सभी में 6 आ रहा है ना, 6 एलसीएम आ गया, ठीक है, तो ऊपर क्या, 2+1 + 3+1 = 4/6 यानी 2/3, ठीक है। तो पहला वाला हमने कर दिया, है ना, दूसरा देखो, दूसरे में क्या है, बी नहीं, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, उनमें से कम एक बंदा, सॉरी, केवल और केवल एक बंदा, एग्जैक्टली वन, केवल एक बंदा प्रॉब्लम को सोल्व करे, अगर ए करता है तो बी ना करे,
या फिर बी करता है तो ए ना करे, ये प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। तो क्या लिखे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी नोट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए नोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, स्पेस कितना है, ओके ए की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी नोट की प्रोबेबिलिटी है 2/3 प्लस बी की प्रोबेबिलिटी 1/3 और ए नोट की प्रोबेबिलिटी 1/2। एलसीएम 6 आ रहा है 2+1 3/6 यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है, देखो फर्स्ट वाला जो है ना इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं हम, प्रोबेबल द प्रॉब्लम इज सोल्व, प्रॉब्लम सोल्व हो जाए है ना। तो आप ऐसा करो कि प्रॉब्लम किसी से सोल्व ना हो, ए भी सोल्व ना करे बी भी सोल्व ना करे, उसका कॉन्ट्राडिक्शन है ये है ना। सॉरी कॉन्ट्राडिक्शन तो इसका है कि प्रॉब्लम सोल्व ना हो, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम सोल्व कब नहीं होगी, जब ए भी ना करे और बी भी ना करे, मतलब उस बात सही है ठीक है। यानी पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट एंड बी नोट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट बी नोट, ये प्रोबेबिलिटी आप निकाल लो और वन में से इसको माइनस कर लो तो भी ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रॉब्लम कोई भी बंदा सोल्व नहीं कर रहा, ए भी नहीं कर रहा तो बी भी सोल्व नहीं कर रहा, लेकिन हमको क्या बोल रखे इसने, इस बात की प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट, और इसका कॉम्प्लीमेंट है तो वन में से माइनस कर लेंगे ना ठीक है। तो क्या आएगा, वन माइनस ए भी ना करे और बी भी ना करे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट, इसको सोल्व करोगे तो वो भी वही आंसर आएगा। वन माइनस देखो ए नोट क्या है 1/2 और बी नोट क्या है 2/3, यहां पे सोल्व किया तो 2/6, 1-2/6 4/6 यानी 2/3, चेक करो वही आ रहा है ठीक है। जो भी आपको मेथड सुटेबल लगे उससे कर लेना ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, इन टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस, एक कॉइन को 3 बार फेंक दिया, ओके टॉस कर दिया, मतलब फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग हेड एंड टेल अल्टरनेटली, ओके अब अल्टरनेटली हेड और टेल आना, मतलब हेड आता है उसके बाद टेल आना चाहिए फिर हेड आना चाहिए, ऐसे चेंज ओके, या फिर टेल आए तो हेड फिर टेल, तो दो ही केस बनते हैं ऐसे है ना। तो पॉसिबल आउटकम हमको क्या मिल रहे हैं, अगर मैं उसको E से डिनोट करूं ठीक है, तो हमको मिल रहे हैं H T H और T H T, अल्टरनेट हेड एंड टेल ठीक है। हेड आता है फिर चेंज होना चाहिए, टेल आया फिर चेंज हो गया हेड आ गया, ऐसे इसमें टेल आता है पहले तो फिर हेड आएगा फिर टेल आएगा, ये होता है अल्टरनेट हेड एंड टेल, ओके इन 3 सक्सेसिव ट्रायल्स, ओके हमको फाइंड करने है ना। एक बार फिर से समझो इसको, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपको सक्सेसिव 3 ट्रायल्स में अगर हेड आए पहली वाली पे तो दूसरे पे टेल आए और तीसरे पे हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। या फिर यह भी तो हो सकता है कि पहले हेड आए पहली फेक पे, दूसरे वाले टॉस पे हेड आए, सॉरी पहले वाले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए और फिर टेल आए, इनकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। तो दो केस बनते हैं, या तो ये होगा या फिर ये होगा, दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्टरनेटली हेड एंड टेल को ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है हेड टेल हेड और टेल हेड टेल इसको ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ओके। तो इसको मैं क्या लिखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड टेल ठीक है। यहां से क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, और यहां से क्या आएगा, क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, हेड आए तो उस पर टेल आने, पहले हेड आता है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी पर हेड के हेड का आना कोई प्रभाव नहीं डाल रहा। ऐसे ही अगर पहले टेल आता है तो इस बात पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा कि हेड कम बार आएगा या ज्यादा बार आएगा, इक्वली लाइकली चांस है ठीक है। यानी इसके इस इवेंट की वजह से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा ठीक है। इसका मतलब ये कैसी है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, टी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ठीक है। अच्छा सिक्के को फेंके
तो उस पर हेड आई, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1/2 है ना, तो मैं इसको लिख रहा हूं 1/2, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन वन थ्रो ऑफ कॉइन, ओके, इन टू, यहां पे क्या आएगा 1/2, यहां पे भी 1/2, प्लस यहां पे क्या आएगा 1/2, 1/2, और यहां भी 1/2, 1/8 प्लस 1/8, 2/8, यानी 1/4 इसका आंसर, ठीक है, यही हमको फाइंड करना था, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर कंसिडर्ड इक्वली लाइकली। एक कॉइन को 3 बार फेंक दिया और जो आउटकम आ रहे हैं ना वो इक्वली लाइकली, मतलब ऐसा नहीं है कि हेड आने के चांसेस ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है, हेड या टेल दोनों के चांसेस इक्वल है। कंसिडर द टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस एज ए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एंड वंस एज ए सेकेंड एक्सपेरिमेंट। अब जो 3 बार टॉस कर रहे थे ना कॉइन को, उसको 2 एक्सपेरिमेंट में करना है। पहले एक्सपेरिमेंट में तो 2 कॉइन को फेंका है और दूसरे एक्सपेरिमेंट में 1 कॉइन को फेंका है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स एंड ए टेल। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपको 2 हेड और 1 टेल मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपको 3 हेड मिले, और दोनों एक्सपेरिमेंट, ये जो 2 एक्सपेरिमेंट करे ना, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, मतलब इनसे जो इवेंट क्रिएट होगी वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स आने वाली है, ऐसा इसका बोलना है, ठीक है। देखो यहां पे 2 एक्सपेरिमेंट है, तो पहले एक्सपेरिमेंट को लेता हूं मैं, पहले फॉर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या 2 कॉइन को फेंक रहा था, टोटल पॉसिबल आउटकम 4 आएंगे, है ना। तो इवेंट ए ले लेता हूं मैं, इवेंट ए क्या कि दोनों हेड आ रहे हैं, इवेंट ए किसको डिनोट कर रहे हैं कि दोनों बार हेड आए, पहली बार भी हेड आए दूसरी बार भी हेड आए, 2 को फेंक रहे ना, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करो मैं, पहले एक्सपेरिमेंट में 2 कॉइन को फेंका है, तो इवेंट ए किसको डिनोट कर रहा है कि दोनों बार हेड आए, ठीक है। इवेंट बी किसको डिनोट कर रहे हैं कि दोनों बार टेल आए, दोनों बार टेल आए, और इवेंट सी किसको डिनोट कर रहा है कि एक बार हेड आए तो दूसरी बार टेल आएगा, ठीक है, यानी या तो हेड टेल आए या फिर टेल और हेड आए, इसको इवेंट सी डिनोट कर रहे हैं। इनकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, तो टोटल आउटकम तो 4 बनेंगे क्योंकि कॉइन को 2 बार फेंके हैं। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबल आउटकम कितना है, एक है, कितने में से 4 में से। इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, वही 1/4, और इवेंट सी की प्रोबेबिलिटी, इवेंट सी की प्रोबेबिलिटी आउटकम, पॉसिबल आउटकम 2/4, 2/4 सिंप्लीफाई करोगे 1/2 आ जाएगा, ठीक है, बाद में करते रहेंगे, ओके। ए बी सी की प्रोबेबिलिटी मैंने फाइंड कर ली, हाँ। अब मैं बात करूं मैं सेकंड एक्सपेरिमेंट, सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट की, फॉर सेकंड एक्सपेरिमेंट, सेकंड वाले में क्या, एक कॉइन को फेंका गया है तो या तो हेड आएगा ये टेल आएगा, है ना। तो अगर वहां पर हेड आता है तो उसको इवेंट डी डिफाइन कर रहे हैं, किसको कि उस कॉइन पर हेड आए, और इवेंट ई उस कॉइन पर टेल आए, उस कॉइन पर, अच्छा टेल को डी ले लिया तो इसको हेड को रिप्रेजेंट कर लो इवेंट ई से, ठीक है। तो इवेंट डी की और ई की प्रोबेबिलिटी दोनों की ही 1/2 आएगी, भाई पॉसिबल आउटकम दोनों में एक एक है, है ना। टोटल आउटकम क्या था, एक कॉइन को फेंक रहे हैं तो 2 ही तो बनेंगे, इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2, तो दोनों की इक्वल होगी ना 1/2, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट, किसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड एंड ए टेल, 2 हेड्स एंड ए टेल, ओके, 2 हेड और 1 टेल। अब देखो किस तरीके से आ सकते हैं कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से 2 हेड आ गए, यानी इवेंट ए हेड, इवेंट ए हैज ओकर्ड, ओके, तो इवेंट ए हो गई, मतलब 2 हेड आ गए, लेकिन उसके साथ 1 टेल आना चाहिए, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से तो हमने ये इवेंट ले ली ए, तो अब सेकंड एक्सपेरिमेंट से लेंगे कौन सा जिसमें 1 टेल मिले, और वो कौन है, डी, तो ए के साथ कौन आया, डी आया, ठीक है। ये गलती मत कर देना कि ए के साथ सी ले लो, भाई फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था कि 2 कॉइन को टॉस करना है, सेकंड एक्सपेरिमेंट 1 कॉइन को टॉस करवा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो भी आपको मिला, सपोज ए मिल गया, तो अब दूसरा आउटकम किससे लोगे, सेकंड वाले से लोगे ना, ठीक है, तो ए के साथ डी, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है, और
देखो इसमें मिल गया ना तो हेड एक टेल, एक इसको डिनोट कर रहा था, दो हेड को, डी एक टेल को। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको इवेंट सी मिले, सी का मतलब क्या है, एक हेड और एक टेल, टेल तो मिल गया आपको और एक हेड मिल गया, एक हेड की कमी है, और वो कहां से मिलेगा, जब आप सेकंड एक्सपेरिमेंट करोगे, और सेकंड एक्सपेरिमेंट में हेड कौन है, इवेंट ई वाला, तो सी के साथ फिर आपको ई लेना होगा। एक बार फिर से समझो इसको, दो हेड और एक टेल आने चाहिए। अगर मान लो आपको इवेंट ए मिल गई, यानी दो हेड तो मिल गए, तो फिर एक टेल की जरूरत पड़ेगी। तो एक एक्सपेरिमेंट आपने किया, वहां से एक ही तो इवेंट आई, दूसरी बार एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहां से ही दूसरा वाला केस ले लो कि एक हेड आए, तो हेड कौन सा दे रहा है, डी दे रहा है, एक के साथ डी लोगे। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको शुरू में ये वाला केस मिला, ये तो मिली, ये तो आपको लेना ही नहीं है इस वाले के लिए, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि आपको तो एक ऐड चाहिए ना, यहाँ पे तो दो, सॉरी एक टेल चाहिए ना, यहाँ पे तो दो टेल आ रहे हैं, तो ये तो इम्पॉसिबल है, बी तो आपको लेना ही नहीं है इस इवेंट के लिए, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए, तो बी नहीं लेंगे, तो या तो ए या सी। तो मान लो मैंने फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट से इवेंट सी ले ली, यानी मेरे को इवेंट सी मिली, या तो एक ऐड आए या एक टेल आए, ठीक है, तो एक हेड और एक टेल, तो एक टेल तो आ गया, एक ऐड की कमी है, एक ऐड आ गया, एक ऐड की कमी है, और वो कब आएगा, जब आप सेकंड एक्सपेरिमेंट करोगे, तो एक हेड वहां से डी इवेंट दे रही है, तो एक हेड ई इवेंट दे रही है, तो सी के साथ ई लिया मैंने, ठीक है। देखो क्या लिखे इनको, पी ए डी प्लस पी सी ई। अब दोनों कैसी थी, इंडिपेंडेंट इवेंट थी, तो इनकी प्रोडक्ट करेंगे इनकी प्रोबेबिलिटी का, यानी पी ए इंटू पी डी, तो पी ए क्या है 1/4, पी डी 1/2 प्लस पी सी 2/4 इंटू पी ई 1/2, कितना आया ऊपर 1/8, और मतलब यहां पे 1/8 और यहां पे 2/8, 3/8 कितना आ रहा है 1/8, 2/8, 3/8, ओके ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड में क्या कह रहे हैं, थ्री हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री हेड्स, तीनों हेड आने चाहिए। देखो तीनों हेड कब आ सकते हैं, सपोज आपको इवेंट ए मिल गई तो दो ही हेड आए ना, एक हेड और आना चाहिए, और एक हेड कब आएगा, जब आप सेकंड एक्सपेरिमेंट से हेड वाला केस लोगे, मतलब ए के साथ ई लोगे, ओके। या फिर अगर दो टेल ले रहे हो है ना, तो ये ले ले क्या, नहीं ले सकते, क्योंकि इसने बोल रखा है केवल तीन ऐड होने चाहिए, टेल का तो काम ही नहीं, तो इवेंट सी भी नहीं ले सकते, क्यों, इसमें भी कम से कम एक टेल आ रहा है, और ये क्या कह रहा है तीन ऐड होने चाहिए, तो बस यही केस बचा ए के साथ ई वाला, ठीक है। तो ए ई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ए की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 1/4, ई की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 1/2, 1/4 इंटू 1/2 यानी 1/8 आंसर, ओके। की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लो, 10th, ए स्टूडेंट टेक्स एग्जाम इन फोर सब्जेक्ट्स ए बी सी एंड डी, ओके कोई बंदा है चार सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहा है ए बी सी और डी का, हे जो चांसेस ऑफ पासिंग इन ए आर 4/5, इन बी सी डी, ओके चारों की अलग अलग पासेज होने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, ए की, बी की, सी की और डी की, ठीक है। टू क्वालिफाई ही मस्ट पास इन ए एंड एट लीस्ट इन टू अदर सब्जेक्ट्स, वो एग्जाम क्वालिफाई करे तो वो तभी करेगा जब उसका ए में कंपलसरी है पास होना, यानी ए में तो पास हो ही हो हर बार है ना, और उसके साथ साथ बाकी अदर दो सब्जेक्ट में भी पास हो, ठीक है, ए के साथ बाकी दो सब्जेक्ट में पास और हो, मतलब एक में फेल हो जाए चलेगा, लेकिन तीन सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, जिनमें से ए तो कंपलसरी है, ए में तो जरूरी है पास होना उसका, ठीक है। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही क्वालिफाइज, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है। देखो तो यहां पे मैं इनको ए बी सी और डी इवेंट लेट कर लेता हूं, तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कि वो सब्जेक्ट ए को पास कर रहे हैं, और उस बात की प्रोबेबिलिटी है 4/5, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी कितनी रखी है, बी सब्जेक्ट को पास कर जाए 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी मतलब सब्जेक्ट सी को पास करे 5/6, और डी को पास कर जाए इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3, ओके ठीक है। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो एग्जाम क्वालिफाई कर जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वालिफाई द एग्जाम,
मतलब उसका सब्जेक्ट ए में तो पास होना जरूरी है, ए के साथ साथ बाकी दो सब्जेक्ट में और पास हो, है ना। तो ए के साथ मान लो वो बी में भी पास हो गया, सी में भी पास हो गया, डी में फेल हो गया, मतलब डी बार, ठीक है, या फिर ए में पास हो गया, बी में पास हो गया, सी में फेल हो गया लेकिन डी में पास हो गया, मतलब ए के साथ दो सब्जेक्ट आ रहे हैं इसमें भी, या फिर ए में तो पास होना जरूरी है उसका, बी में पास नहीं हुआ लेकिन सी में हो गया और डी में हो गया, ठीक है। मतलब ए में तो सभी में पास हो रहा है, ए के साथ दो सब्जेक्ट में, इसमें बी सी में पास हो गया, बी डी में पास हो गया, या फिर सी और डी में पास हो गया, ये केस। और क्या एक केस और, कि वो चारों सब्जेक्ट में पास हो गया तो क्वालिफाई नहीं करेगा क्या, तब भी करेगा ना, ठीक है। मतलब किसी पे भी बार मतलब मत लगाओ, मतलब ए में भी पास हो गया, बी में भी पास हो गया, सी में भी पास हो गया, डी में भी पास हो गया, तब भी तो क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। इनके अलावा कोई और केस नहीं बनेगा, ठीक है। चारों में पास हो जाए तो क्वालिफाई है, तीन में पास होना जरूरी है और तीन में भी एक का तो जरूरी जरूरी है, ए में तो 100% होना चाहिए, है ना। ए के अलावा बाकी दो सब्जेक्ट किसी कोई भी हो, तो बी से ले ली मैंने, बी डी ले ली मैंने, सी और डी ले ली मैंने ए के साथ, ठीक है। अच्छा, अब इनकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, ओके। देखो, और ये ए बी सी डी इवेंट कैसी है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्यों, मतलब ए सब्जेक्ट में पास हो या फेल हो उससे बी की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, ए अलग सब्जेक्ट था, बी अलग सब्जेक्ट है, है ना। देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखूं, ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी नोट, और यानी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नोट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्लस probability of A, probability of B plus into probability of C into probability of D. Value substitute करनी है, probability of event A 4/5 multiply probability of event B 3/4 probability of C 5/6 probability of D bar, यानी 1 में से इसको माइनस करो 1/3, इसमें आ जाओ 4/5, B की प्रोबेबिलिटी है 3/4, C नोट की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस करो 1/6 और D की 2/3 प्लस A की प्रोबेबिलिटी 4/5, B नोट 1 में से माइनस करो 1/4, C की प्रोबेबिलिटी और D की प्रोबेबिलिटी 5/6 2/3 प्लस A की, B की, C की और D की चारों की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट 4/5 3/4 5/6 2/3, ठीक है। देखो इनका डेनोमिनेटर कैंसिल मत करो इनको, है ना, डेनोमिनेटर सभी में सेम है, 5, 4, 6 और 3 का प्रोडक्ट, है ना। तो इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे किनको, 5 को, 4 को, 6 को और 3 को, तो आंसर क्या मिलेगा, 5, 4 जा 20, 6, 3 जा 18, 20, 18, 360। ऊपर देखो 4, 3 जा 12, 5 जा 60, 4, 3 जा 12, 2 जा 24, 2, 4 जा 8, 5 जा 24, ओके यहां तक है। इसके बाद इनको देखो 4, 5 जा 20, 2 जा 40 प्लस एक लास्ट और 5, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 5, है ना, कितना आएगा 5, 4 जा 20 into 6, 120, ऐड करो इनको, तो ये हो गया 100, 220 और 224, है ना, ठीक है। और नीचे 360, 4 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 4, 6 जा 4, 1 जा, 4 से 9 जा, आंसर क्या है 61/90, ओके। इसी के साथ आज के क्वेश्चंस काफी है ना, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।